हेलो फ्रेंड, कृष्णा जीएस में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा कुमार। आज बायो का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और जो जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो प्रायः सभी एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वह रेलवे में हो, एसएससी में हो, डिफेंस में हो, या पीसीएस एग्जाम में हो, या कोई भी एग्जाम जिसमें भी ये सब टॉपिक है उसमें आपको जनरल साइंस का जो टॉपिक है उसमें पूछा जाएगा। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल बटन अवश्य दबाइएगा ताकि मेरा जितना भी जीएस का वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, जबकि मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। उसके पीछे जो कारण है वो कारण है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधा में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जबकि मनुष्य में फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए या प्रकाश संश्लेषण होने के लिए चार पदार्थों का होना अनिवार्य है। पहला पदार्थ हो गया आपका H2O, दूसरा पदार्थ हो गया आपका CO2, तीसरा आपका हो गया लाइट, जिसे आप प्रकाश भी बोल सकते हैं, और चौथा प्रकाश हो गया क्लोरोफिल, जिसे पर्णहरित कहा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो को। चलिए पहला, हम लोग प्रकाश संश्लेषण के लिए चार पदार्थों का होना अनिवार्य है। H2O प्लस CO2 प्लस लाइट इसे आप प्रकाश कर सकते हैं, और चौथा आपका हो गया क्लोरोफिल, ठीक है। और क्लोरोफिल को हम लोग हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं, पर्णहरित। ये जब जिसमें ये चार चीज मौजूद रहेगा तब जाकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, बारी बारी से हर एक को देखते हैं, कितना मोलेकुल से जो सबका रहता है, हाइड्रोजन का कितना मोलेकुल प्रकाश संश्लेषण में भाग लेगा, CO2 का कितना मोलेकुल से जो भाग लेगा प्रकाश संश्लेषण में, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं, जो एक प्रकार से पहला इतना जो हो गया, और इसका दूसरा हम लोग पार्ट देखते हैं, मोलेकुल देखते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना मोलेकुल्स रहता है, पानी का 12 मोलेकुल्स है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, मोलेकुल्स को हम लोग हिंदी में अणु बोलते हैं, तो 12 अणु है जो जल का रहता है, 6 अणु जो रहता है वो CO2 का रहता है, और उसके बाद यहाँ पे मान लिया जाए कि लाइट पड़ रहा है, ठीक है, पत्ती में, खास करके जो पत्ती का जो पार्ट होता है उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो पत्ती, ठीक है, पत्ती में है जो पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका जो पार्ट है लाइट है, और यहाँ पे है पर्णहरित, ठीक है। जब इतना होता है, जब ये सब चीज पदार्थ आ जाते हैं एक साथ है, तब जाकर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, और जो पदार्थ बनेगा वो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ग्लूकोज बनता है C6H12O6, उसके साथ साथ आपके 6H2O, मतलब 6 अणु है जो जल का बनेगा, उसके बाद 6 अणु ऑक्सीजन का बनेगा, ठीक है। मतलब एक प्रकार से ये सब जो पदार्थ है एक साथ जब मिलेंगे, उसके बाद जो बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जो पेड़ पौधा का जो भोजन है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, और ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। प्रायः स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है, कभी कभी क्या कर देते हैं, कभी C को और O को, ठीक है, आपस में बदल देते हैं, जबकि फॉर्मूला आपका यही है। ऐसे अल्फाबेटिकली देखिएगा तो पहले C आएगा, C के बाद H आता है, और H के बाद O आता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। और जो जल का जो अणु रहेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद वो 6 अणु मिलेगा, और जो ऑक्सीजन का जो अणु रहेगा वो भी है जो आपका 6 अणु बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन हुआ, और इस रिएक्शन के बाद भी आप देखिएगा, जो ये कार्बन है,
ठीक है, कार्बन की संख्या कितना है 6, और यहाँ पे भी देखिएगा कार्बन की संख्या कितना है 6, ठीक है, मतलब दोनों जगह जो रिएक्शन है एक प्रकार से बैलेंस किया हुआ है। तो अभी हम लोग इतना समझ गए, चलिए बारी बारी से हम लोग लाइट के बारे में देखेंगे और परमहरित के बारे में चर्चा करेंगे। इतना हम लोग को पता चल गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 पदार्थों का होना अनिवार्य है, और वो पदार्थ है H2O, CO2, लाइट एवं क्लोरोफिल। लाइट के बारे में देखते हैं, लाइट के बारे में देखते हैं जिसे प्रकाश कहा जाता है। तो लाइट के बारे में अब पढ़े होंगे कि लाइट एक प्रकार से कण है, ठीक है, कण है, और जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, उसमें ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है, ऊर्जा है जो पाई जाती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं जो प्रकाश है जो क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, इनर्जी है, एक प्रकार का इनर्जी है, ठीक है। और इसे आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो लाइट होता है वो फोटोन होता है, ठीक है, बंडल ऑफ इनर्जी, जो लाइट चलता है वो फोटोन के फॉर्म में चलता है, एक पैकेट इनर्जी का जो पैकेट होता है उस फॉर्म में चलता है। लाइट को समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं परमहरित, ठीक है, पत्ती में परमहरित पाया जाता है, जो पत्ती है पत्ती में परमहरित पाया जाता है, और ये जो परमहरित है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो हम लोग परमहरित देख लेते हैं, परमहरित जिसे इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है, एक क्लोरोफिल होता है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, मतलब परमहरित में एक प्रकार से मैग्नीशियम है जो पाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि एक तो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तो बनाते हैं, जो कि हम लोग देख रहे थे कि ग्लूकोज के फॉर्म में अपना भोजन बना लिए, और पेड़ पौधा हम लोग के लिए जीवनदायिनी भी माने जाते हैं। क्यों जीवनदायिनी माने जाते हैं, जब हम लोग वो रिएक्शन देख रहे थे, ठीक है, उसमें है जो पेड़ पौधा अपना भोजन भी बनाया था और साथ साथ ऑक्सीजन का भी निर्माण किया था एवं जल का निर्माण किया था, तो ऑक्सीजन का भी एक तरह से क्या होता है, जनरेशन होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन भी निकलता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है जो जल से बनता है, मतलब जल है जो टूटता है, जल है जो टूट कर कुछ फॉर्म, क्योंकि जल का जो कंपोनेंट है, जो तत्व होता है, वो हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है, और यही ऑक्सीजन टूटता है, और इसी ऑक्सीजन के चलते यही ऑक्सीजन टूटकर एक प्रकार से पेड़ पौधा से ऑक्सीजन निकलता है, जो कि मनुष्य के लिए या जीव जंतु के लिए जीवनदायिनी साबित होता है। आगे देखते हैं इस रिएक्शन के बारे में, ठीक है, जो एक तरह से जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगा उसको हम लोग टोटल 2 स्टेप में देखेंगे, 2 चरण में देखेंगे, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण टोटल कंप्लीट होता है वो 2 स्टेज में होता है। पहला जो स्टेज है उसे हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा जो स्टेज है उसे बोला जाता है डार्क रिएक्शन। तो बारी बारी से हम लोग दोनों स्टेज के बारे में देखेंगे, और पहला स्टेज में क्या क्या होता है, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है उसमें क्या होगा, अंतिम स्टेज में, ये तो हम लोग को मालूम ही है कि अंतिम स्टेज में पेड़ पौधा अपना भोजन भी बना लेगा, जल भी निकालेगा, और साथ साथ ऑक्सीजन को भी निकालेगा। तो हम लोग स्टेज देख लेते हैं, स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और हिंदी में से लिखा जाता है प्रकाश संश्लेषण के चरण। ठीक है, 2 चरण होता है, बारी बारी से देखते हैं। पहला चरण है उसका नाम है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन या
इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है, हिल रिएक्शन या हिंदी में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार से क्या करती है, विकिरण करती है, रेडिएशन करती है, और वो जो विकिरण होता है, जो विकिरण एनर्जी रहता है, वो अंततः है जो पेड़ पौधा में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के चलते हम लोग बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि प्रकाश के चलते एक जो प्रकाश जो एनर्जी था जो रेडिएशन छोड़ रही थी उससे वो जो एनर्जी है जो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है, केमिकल एनर्जी में हो जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं लाइट रिएक्शन क्या है या हील रिएक्शन क्या है या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो देखिए हील रिएक्शन कहने के पीछे हम लोग का लॉजिक है, हील नामक वैज्ञानिक है जो इस स्टेज के बारे में पता लगाए थे। तो हील नामक जो वैज्ञानिक थे वही सबसे पहले पता लगाए थे कि प्रकाश संश्लेषण में एक तरह से पहला जो चरण होता है उसे लाइट रिएक्शन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, इसी के चलते इसे हिल रिएक्शन में कहा जाता है। और दूसरा स्टेज में दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं, ये जो स्टेज होता है जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, प्रकाश एकदम रहना चाहिए तब जाके ये स्टेज है जो कंप्लीट हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे ही जो प्रकाश है जो प्राय पत्ती में है जो क्लोरोफिल पाया जाता है जिसे आप पर्णहरित बोलते हैं, ठीक है, या क्लोरोफिल भी आप बोल सकते हैं। क्लोरोफिल की पत्ती में पर्णहरित पाया जाता है और पूरा के पूरा इसमें जैसे ही प्रकाश पड़ता है, जैसे इस पे लाइट पड़ता है तो क्लोरोफिल के जो अणु होते हैं जिसे आप इंग्लिश में मोलेकुल्स बोल सकते हैं, मोलेकुल्स अणु होते हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं, वो अपने आप में क्या हो जाते हैं, उसका जो इलेक्ट्रॉन है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होने के चलते वो जो कक्षा में चक्कर लगा रहा था, यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर में क्या रहता है, मैग्नीशियम रहता है, ठीक है, इसके सेंटर में मैग्नीशियम रहता है और इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करता है, लाइट पड़ने के चलते कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट में आ जाता है, उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होने के परिणाम स्वरूप वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर आ गया, क्योंकि इसको एनर्जी दिया गया, इसको लाइट के फॉर्म में एनर्जी दिया गया और इलेक्ट्रॉन है जो एनर्जी पाकर क्या हो जाता है, अपना कक्षा छोड़कर वो बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आएगा तो पहले हम पढ़ा चुके हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जल का भी होना अनिवार्य है, वो क्या करता है, जो H2O रहता है, ठीक है, जो यहाँ से पर्णहरित क्लोरोफिल से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर जाते हैं वो जल को क्या कर देंगे, आयन में तोड़ देते हैं, मतलब जल को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एक हो गया H को पॉजिटिव आयन में तोड़ देते हैं और OH को निगेटिव आयन में तोड़ देते हैं और इस प्रकार से आपका जल क्या हो गया, टूट गया है, ठीक है, यहाँ पे जल को तोड़ा गया है। चलिए एक स्टेज हम लोग का कंप्लीट हो गया, अब हम लोग इसका दूसरा स्टेज देखते हैं। दूसरा जो स्टेज है उसका नाम है डार्क रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण में पूछ दे आपको एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में कितने स्टेज पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, दो स्टेज पाए जाते हैं, एक लाइट रिएक्शन और जो सेकंड स्टेज है उसका डार्क रिएक्शन नाम है। तो चलिए दूसरा स्टेज के बारे में चर्चा करते हैं, डार्क रिएक्शन, ठीक है, इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोला जाता है, ब्लैकमैन रिएक्शन।
या हिंदी में प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया, हिंदी में से बोलिएगा प्रकाशहीन, प्रकाशहीन मतलब प्रकाश की आवश्यकता यहां पे नहीं है, इसलिए अक्सर में प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ये जो लास्ट स्टेज है प्रकाश संश्लेषण का, और इसको जो खोज किया था ठीक है वो ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, तो लिख लीजिए ब्लैकमैन इसको क्या किया था, खोज किया था इस स्टेज के बारे में। इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इस स्टेज में लाइट की आवश्यकता आपका नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगा, लाइट नॉट नेसेसरी ठीक है। लाइट है भी तो भी ये रिएक्शन होगा, यदि लाइट नहीं भी है फिर भी ये रिएक्शन चलेगा, उसके अंदर है जो पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण का ये स्टेज है जो डार्क रिएक्शन है जो होगा, लाइट नॉट नेसेसरी मतलब प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। देखिए पहला जो स्टेज था उसमें आप देखे थे कि जो जल था वो है जो आयन में टूट गया है, इस स्टेज में जो आप पदार्थ देख रहे थे प्रकाश संश्लेषण में वो जल भी था और CO2 भी था और साथ साथ लाइट और क्लोरोफिल था। तो दूसरा स्टेज में क्या होता है, CO2 ठीक है, CO2 का अवकरण होगा ठीक है, CO2 का क्या होगा, अवकरण होगा, और अवकरण को हम लोग इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं, और इस अवकरण के परिणाम स्वरूप कार्बन है, जो कार्बन से जो एक कार्बन से जो ऑक्सीजन अभी लगा हुआ है वो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा ठीक है। जब हट जाता है उसके बाद यहां से कार्बन से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, और इस प्रक्रिया को हम लोग रिडक्शन या अवकरण कहते हैं, अवकरण ठीक है। जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाएगा ठीक है, जब डार्क रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाता है तो क्या बनेगा, आपको पेड़ पौधा को खाना मिल जाता है, और वो खाना क्या रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, C6H12O6 रहेगा, और क्या होता है कुछ है जो जल के भी अणु पाए जाएंगे, और जल के अणु कितना रहेंगे, 6H2O, वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना रहेगा, 6 रहेगा, और साथ साथ ऑक्सीजन भी निकलता है, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, 6 अणु उसके रहेंगे ठीक है, उसके 6 अणु रहेंगे, ये दोनों जो फाइनल स्टेज में हम लोग को होता है ठीक। चलिए अब हम लोग और कुछ देखते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया को समझ लिए, जो प्रकाश का अलग अलग रंग है वो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। तो पहला जो रेड कलर होता है या लाल रंग होता है, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगा वो अधिक होता है ठीक है, मतलब जो भोजन बनता है या जो क्रिया होता है वो क्रिया क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, किस कलर में, रेड कलर में, और उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि रेड का जो वेवलेंथ होता है, रेड का जो वेवलेंथ होता है, इसको हिंदी में आप लोग तरंग दैर्ध्य भी बोल सकते हैं, तरंग दैर्ध्य जो वेवलेंथ होता है वो अत्यधिक होता है ठीक है, अधिक होता है अन्य रंगों के बनिस्पत। ये जो चर्चा कर रहे हैं लाल रंग वो एक प्रकार से विजिबल लाइट है ठीक है, विजिबल लाइट है, और इसे आप इस लाइट को आप देख सकते हैं, दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आता है, तो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट है, और सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा किस कलर में होगा, रेड कलर में होगा, उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि इसका जो वेव लेंथ होता है, चलने का जो चाल होता है वो क्या रहेगा, बड़ा बड़ा स्टेज लेता है, बड़ा बड़ा स्टेप को लेता है, जबकि जो बैंगनी कलर होता है, बैंगनी भी आपका विजुअल लाइट के दृश्य प्रकाश के ही अंतर्गत आता है, टोटल जो दृश्य प्रकाश जिसे मनुष्य देख पाता है उसकी संख्या 7 है ठीक है। तो चलिए जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी उस कलर का भी चर्चा कर लेते हैं, इसमें कम होती है वो होता है बैंगनी कलर में ठीक है, बैंगनी कलर में सबसे कम होता है, वायलेट कलर में, वायलेट कलर में जो ये जो क्रिया होगा
वो सबसे कम होगा। और इसके पीछे जो लॉजिक है, क्योंकि बैंगनी का जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, वो सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम होने के चलते वो प्रकाश संश्लेषण को बहुत ही मतलब प्रभावित करती है, लेकिन उसका जो दर रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। एक हम लोग टेम्परेचर का भी चर्चा कर लेते हैं। टेम्परेचर भी प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होता है वो भी प्रभावित करता है। जो नॉर्मल जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आइडियल टेम्परेचर, आदर्श टेम्परेचर माना जाता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यदि ये टेम्परेचर है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी, वो ढंग से एक तरह से होगी। और जल जल है जो पेड़ पौधा है जो अपना भोजन भी बनाएगा, जल को भी उत्सर्जित करेगा और ऑक्सीजन भी उत्सर्जित करेगा। थैंक यू फ्रेंड, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा।